तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और इंस्टेंट वीडियो में। और एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात और खुशखबरी है कि जितने भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आज आ चुका है। आज ही रिजल्ट आउट हुआ है शाम को 3 बजे, ठीक है। अभी 2-3 ही घंटा हुआ है और जब तक आप लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुँचेगा तब तक तो 5-6 घंटा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में भी थोड़ी लेट होती है ना, ठीक है। तो जितने भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट थे जिनका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था और वो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, तो जी बिल्कुल उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का जो है ना परिणाम यानी कि रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे मैं बता दे रही हूँ, आप लोग कैसे चेक करेंगे। अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से खुद से ही अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतने सारे वेबसाइट हैं जिसको गूगल पर सर्च करके आप आसानी से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, इन सभी वेबसाइट में से किसी भी एक का यूज़ करके। जैसे कि पहला वेबसाइट है biharboardonline.com, इस वेबसाइट के ज़रिए भी आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है, ठीक है। नहीं तो इस वेबसाइट से सर्च कर लीजिए biharboardonline.bihar.government.in, नहीं तो onlinebsab.in, इससे भी चेक कर सकते हैं। sarkaririzult.com, इस वेबसाइट से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो livehindustan.com, इसके ज़रिए भी, ठीक है। लेकिन इन सभी वेबसाइट में जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर बिहार बोर्ड खुद रिजल्ट आउट करता है वो ये 3 है, ठीक है। biharboardonline.com, biharboardonline.bihar.government.in और onlinebsab.in, ये तीनों जो वेबसाइट जो है ना ये बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। और बाकी जितने भी वेबसाइट होते हैं ना वो बिहार बोर्ड से रिज़ल्ट को ले लेते हैं और उसी रिज़ल्ट को अपने वेबसाइट के ज़रिए अपलोड कर देते हैं, आउट कर देते हैं, ताकि एक वेबसाइट पर क्या हो, बोझ ना पड़े, समझ रहे हैं बात को। अगर एक ही वेबसाइट रहेगा तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए रहते हैं वो एक ही वेबसाइट पर टूट पड़ेंगे तो उसका सर्वर दिखाएगा लूज़। अब आप ही लोग बताइए, एक इंसान है उस पर 50 आदमी टूट पड़ेंगे तो उसका क्या हालत होगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी होता है, अगर एक ही वेबसाइट रहेगा तो जितने भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं अगर वो उसी वेबसाइट पर टूट पड़े, अपना रिजल्ट चेक करने लगे, तो उसका सर्वर तो लूज़ हो जाएगा ना, डाउन दिखाएगा। इसीलिए 2-3 और 4-5 वेबसाइट होते हैं ताकि जो क्या हो, सर्वर लूज ना हो। अगर आप इस पर सर्च कीजिए, इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, अगर इस पर सर्वर डाउन दिखाए तो आप इस पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस पर भी डाउन दिखा रहा है तो इस पर चेक कर लीजिएगा। इसीलिए तो 4-5 वेबसाइट मतलब बनता है ताकि कुछ स्टूडेंट इस वाले वेबसाइट पर सर्च करें, कुछ स्टूडेंट इस पर, कुछ स्टूडेंट इस पर, ताकि सभी लोगों को मतलब अपना अपना रिजल्ट मालूम चल जाए। एक ही वेबसाइट है वो सर्वर डाउन उसका मत हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए तो आप अपना जाकर रिजल्ट चेक कर लीजिए और आप अपना रिजल्ट ज़रूर हमें बताइएगा, और ख़ास तौर से उर्दू का, क्योंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट जिनका अभी रिज़ल्ट आया है उनको उनका जो है ना, मैं 100 मार्क्स उर्दू का तैयारी करवाई थी इस चैनल के माध्यम से पिछला साल जो है आप लोगों का उर्दू का तैयारी हुआ था। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि जितने भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जाए, करवाई जाए इस चैनल के माध्यम से। तो मुझे कहना यह है कि जितने भी स्टूडेंट जो 12th क्लास के 100 मार्क्स उर्दू की तैयारी इस चैनल के माध्यम से किए थे, मेरे द्वारा पढ़ाई करके इस चैनल के माध्यम से वो तैयारी किए थे और जाकर एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो अपना रिज़ल्ट चेक करें और वो हमें कमेंट करके बताएं कि उनका 100 मार्क्स उर्दू में कितना मार्क्स आया है, कितना नंबर आया है। और कमेंट भी कर आप लोग कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हैशटैग इस तरह और फिर ज्ञापन लिखेंगे, फिर हैशटैग और अपना नाम लिखेंगे कि आप लोग का क्या नाम है, हैशटैग देकर अपना नाम लिख देना है, फिर एक और हैशटैग देना है और आप लोग का मार्क्स इन उर्दू यानी कि उर्दू में कितना 100 मार्क्स उर्दू में आप लोगों का कितना मार्क्स आया वो लिख देना है। अगर 100 में से 50 आया है तो हैशटैग 50 लिख दीजिएगा, 100 में से 100 आ गया तो 100 लिख दीजिएगा, 100 में 98 आ गया तो हैशटैग 98 लिख दीजिएगा। मतलब आप लोगों के 100 मार्क्स उर्दू में जितना भी नंबर आया, जितना भी मार्क्स, वो हैशटैग करके लिख देना है, ताकि हम लोग आपका नाम और आपके जितना भी मार्क्स आया है उसको पिक करके इसी चैनल के कम्युनिटी टैब में अपलोड कर सकें, छोड़ सकें, ठीक है। और आप किसी भी समय ये वीडियो क्यों ना देख रहे हो, रिज़ल्ट आउट होने के 5 घंटा बाद 6 घंटा बाद, नहीं तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कभी भी ये वीडियो देखिए, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के 100 मार्क्स उर्दू में कितना मार्क्स आया है, ताकि देखिए 24 घंटा में हम लोग शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, नए नए कमेंट देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट जो है कमेंट किए हैं और उन कमेंट में किन स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा है, और जिन स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा रहेगा उन स्टूडेंट का नाम और उनका नंबर, उनका मार्क्स जो है पिक करके हम लोग
चैनल के कम्युनिटी टैब में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री है विनय कुमार चौधरी, उनका कहना है कि जो 12th क्लास का एग्ज़ाम 1 से 13 फरवरी के बीच हुआ था, उसमें 13 लाख छात्र छात्राएं शामिल थे, 13 लाख स्टूडेंट 12th क्लास का एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, आई थिंक मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताई और जो कुछ भी समझाई समझ में आया है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसके बाद से सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे और वो अपना रिज़ल्ट चेक कर सके और वो हमें कमेंट करके रिज़ल्ट भी बताए कि उनका कितना रिज़ल्ट आया है उर्दू में भी, ताकि हम उनका नाम और उनके रिज़ल्ट को पिक करके कम्युनिटी टैब में डाल सके। ठीक है, तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।